नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। जेपीएससी पीटी रिजल्ट विवाद मामला का एक नया मोड़ सामने आया। वेबसाइट के माध्यम से स्थिति स्पष्ट। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का एक नया मामला सामने आया है। पीटी में शामिल 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट गायब हो गया है। ओएमआर सीट गायब रहने के बाद भी इनमें से 49 अभ्यर्थी सफल हो गए। ये सभी अभ्यर्थी राज्य के 2 केंद्र से सीरियल नंबर से उत्तीर्ण हुए थे। आयोग को पीटी रिजल्ट में उठे विवाद पर दूसरी बार अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। आयोग ने कहा कि 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा परीक्षा पीटी के लिए 53,05,521 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 36,09,327 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा एडमिट कार्ड निर्गत किया गया। इसमें से 19 सितंबर 2021 को 24,09,690 अभ्यर्थी पीटी में शामिल हुए, जिसकी ओएमआर सीट लगभग 5 लाख थी। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने और जांच की मांग करने पर आयोग ने जब इसकी जांच की तो 57 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया। इस पूरे मामले पर आयोग ने शनिवार को वेबसाइट के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।